दोस्तों, आज द वायर आपको केन नदी के तट पर ले आया है। पर केन नदी ही क्यों? मित्रों, केन नदी जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने किया है एक बहुत बड़ा ऐलान। कहते हैं, जोड़ेंगे केन और बेतवा नदी को और बनाएंगे इस पर बड़े बांध। अगर दीनदयाल जी जिंदा होते शायद थोड़ा शर्माते। नदी को बांधने पे दो बातें सरकार को जरूर सुनाते, पर काल्पनिक बातें छोड़ते हैं और असलियत समझते हैं। भारत सरकार का एक 44 करोड़ का सपना है केन बेतवा को जोड़ना। सरकार ने सोचा है कि पन्ना रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में एक बड़ा बांध बनाएंगे और फिर टनल से बेतवा नदी तक पानी पहुंचाएंगे। लगभग 40 लाख पेड़ों का होगा बलिदान, शेर और संरक्षित जंगल भी ना बच पाएंगे। अब डूबेंगे कुछ 16-20 गांव, बेघर होंगे कुछ हजार। पर मंत्री जी लाखों हेक्टरों को सिंचित कर पाएंगे। पर्यावरण कानून भी है किसी को फिकर? अरे जंगलात कानून तो भूल ही जाइए, क्योंकि इस सरकार को है सिर्फ देश के इंसानों की फिक्र। और क्लाइमेट चेंज या ऋतु परिवर्तन किसको सुधाता है? आखिर भविष्य किसी ने देखा थोड़ी है। तो हम इस समय चले केन नदी के तट, खजुराहो से कुछ दूर और पन्ना जिले में, जहां हमें मिली केन नदी और हमें मौका मिला अभी आज की परिस्थितियां समझने के लिए, जैसे कि क्या नदी में इतना पानी है कि उसको भेजा भी जा सकता है, आसपास के लोग क्या सोचते हैं, और अंत में क्या भारत के लिए ये जुड़ाव ठीक है। तो सुबह जब होती है तो केन नदी बुलाती है, हल्का सा धुआं नदी से उठता है, सूर्य अंधकार की चादर उठाता है और नदी गा उठती है, और हम नाव पे सवार मिलते हैं स्वामी जी से, जो कई पुश्तों से केन नदी के ऊपर निर्भर हैं और उनके बगल में रहते हैं। इनके परिवार में परंपरा के अनुसार कई सारे लोगों ने मछली का काम किया, मछली पकड़ने का, मछली बेचने का, और आज स्वामी जी एक ऐसा संगठन के अध्यक्ष हैं जो नदी को बचाने के लिए सक्रिय है। ये नदी में ज़्यादा जाल ना लगना, नदी में और ज़्यादा मछलियाँ छोड़ना, उसकी सफाई करना, इन सारी चीज़ों पे जो है लगे हुए हैं, और इनकी प्रयास है कि कई सारे और क्षेत्रों को जोड़ के ये पूरी नदी को साफ करें और नदी के बचाव के लिए ये आगे कार्यरत हैं। तो आइए सुनिए सुबह के वक्त केन नदी के ऊपर स्वामी जी की बातें। इस नदी में जितना हरा भरा, पहले बहुत पेड़ पौधे थे यहाँ पे, अच्छी बारिश होती थी, मछली बहुत थी यहाँ पे, क्योंकि सब लोग नेट नहीं लगाते थे। अब तो इस समय बहुत कम मछली हो गई, पानी भी कम होने लगा नदी में। पहले पूरी साल पानी बहता था, बहाव रहता था पानी में, अब ऊपर पानी कम हो गया, बहुत कम मछली हो सर, बहुत कम हो गई। अब तो नदी में सर काफ़ी फर्क पड़ गया, कम से कम 90% जो पेड़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, कम से कम 70-80% पेड़ ख़त्म हो गए, थोड़ी से पेड़ बचे हुए हैं अभी। पे इतना भरा रहता था, इतनी चिड़ियाँ पंछी यहाँ रहते थे, खीब सारे, और घास था यहाँ पे, बड़े बड़े टापुओं में सब पेड़ थे, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो गए यहाँ पे। अब सुना है सर केन नदी जोड़ है होने वाला है, केन से बेतवा लिंक परियोजना चालू, सुना है, लेकिन इसमें अब हमारी साइड तो अगर इस ये जुड़ जाएगा तो हम लोग हमारे तो जीवन यापन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम अभी भी पहले तो एक डैम थे ऊपर, गंगाऊ डैम करके है और रनगवा डैम, दो डैम बने हुए पहले से ऑलरेडी, वो पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है, पूरा सूखा हुआ है ये नदी हमारा, बरसात भर में पानी रहता है। वो पहले जो पानी खोलते थे जनवरी में एक बार खुलता था, मार्च में एक बार डैम खुलता था, अब तो कई सालों से वो भी बंद कर दिए, तो बहुत पानी तो पूरा सूखा हुआ है सर यहाँ पे, तो उससे तो हम लोगों का वैसी मछली वगैरह कम हो गई है, ये सब चीज़ पानी घट रहा है, अगर ये डैम बन जाएगा तो और ये हम लोगों का जीवन यापन ख़त्म हो जाएगा। जो छोटे मोटे चेक डैम जैसे जो बने उनको रिपेयर करवाए सरकार ना बनाने से पहले, तो उन पर ध्यान दी ज़्यादा करके तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे समझ में सर।
क्या आपको लगता है कि केन में इतना पानी है कि वो बेथुआ के अंदर भेजा जा सकता है? इतना पानी नहीं है सर जितना कि वो उसको बना रहे हैं डैम को, लेकिन हमारे समय में इतना पानी है क्योंकि देखें आप पूरा एरिया में से बरसात में पानी होता है, फिर तो बरसात ख़त्म है। वैसे ही इस क्षेत्र में हमारे वैसे ही कई साल से सूखा पड़ा हुआ है, इस साल उतनी बारिश नहीं होती। पहले इतनी बारिश होती थी कि जो नाले छोटे मोटे हैं वो सब बरसात में तो रहता था, 3 मार्च तक पानी सब में बहता था, इस समय सब सूख जाते, बरसात ख़त्म हुई, बरसात हुई नहीं, हो नहीं पाती, पहले सूख जाते वो, क्योंकि पानी बहुत कम हो रही, तो डैम नहीं बनना चाहिए हमारे समझ में। तो इस समय नदी की गहराई कितनी है आपके हिसाब से? नदी की गहराई 3 फुट 2.5 फुट 4 फुट बहुत कम है, गहराई तो पूरा दिखता है नीचे का पानी, अभी सूख जाएगा पूरा जून तक, तो ये नदी आधी से थोड़ी एक छोटी मोटी धारा बनी रहती, बाकी सूख जाती नदी सर बिल्कुल। अब जब सूरज तेज हुआ तो हम तट की ओर लौटे और वहाँ मुलाकात हुई शामेंद्र सिंह से। 2 बार शामेंद्र सिंह का पूरा कारोबार नदी में बह गया, लेकिन फिर भी बाढ़ से वो डरे नहीं, केन को उन्होंने फिर भी माता समझा और हर बार केन पे लौट गया है। आज भी वो केन को छोड़ते नहीं और केन के लिए लड़ते रहते हैं। तो आइए उनकी जबानी सुने कि क्यों है केन बेतुआ में समस्या। देखिए, अगर डैम बना और जिस तरीके से ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये जिद करके ये डैम बनाने की कोशिश करेंगे, अभी तक जब कंस्ट्रक्शन चालू होएगा तो अभी तक उनकी वो मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है कि विरोध होएगा, जम के विरोध होएगा, पर अभी लोगों को अवगत नहीं है कि ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। जो गांव नदी के आसपास बसे हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगी, रेत ख़त्म हो जाएगा। ये केन नदी पहले नेचुरल बहती थी, अब धीरे धीरे ये सूखने लग गई है, ये पूल्स में गर्मी में पूल्स में रह जाती है जो जो डीप है, और उनका फ्लो मतलब ख़त्म हो गया है। पहले भी डैम बना था यहाँ पे, अंदर गंगाऊ डैम है, उन लोग के उस ज़माने के आंकड़े 56 में यूपी गवर्नमेंट ने जब डैम बनाया था बांधा जिला को सींचने के लिए, उस समय में 2,20,000 हेक्टर को सिंचाई करनी थी और वो खाली 70,000 हेक्टर की सिंचाई हो रही है। अगले 28,000 हेक्टर की सिंचाई अजयगढ़ में होने वाली थी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वो आज तक मतलब वो डैम बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी है ही नहीं उतना उपलब्ध, पानी का स्टोरेज है ही नहीं, और बरसाती है, आता है, बह के चला जाता है। तो यहाँ और बेतवा हम लोग से केन की नदी से बहुत बड़ी नदी है, और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि बेतवा नदी में उन लोगों ने 8-8 डैम बना रखे हैं, वहाँ कमी हो रही है, और हमारा केन का पानी वो चोरी करके बेतवा में भेजना चाहते हैं। तो इनके आंकड़े सब सही नहीं हैं, और ये जब डैम अगर इनने बना भी दिया तो उसमें पानी इतना भराव होएगा ही नहीं, और जो नीचे वाला इधर वो बांधा जिला को सींच लें और या फिर मतलब आप बेतवा में जाके ले जाएं, और रास्ते में जितने भी गांव हैं जिसमें से कैनाल निकल रहा है वो लोग आशा में हैं कि हमारे पास पानी आएगी, पर 8-10 साल बाद बोल रहे हैं जो बनेगा, तब तक तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग के हालात अलग ही रहेंगे, तो वहाँ तब तक तो हम लोग मतलब पहुँच ही नहीं पाएंगे, ये एरिया पूरा वीरान हो जाएगा। यहाँ हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं कि कॉरिडोर्स बनाने के लिए, बांधोगढ़ से यहाँ टाइगर आते जाते हैं, रिकॉर्डेड हो चुके हैं, उनको खोल के रखने के लिए, और एक तरह से आप मतलब फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। दूसरा, ये दिस इज़ द लास्ट ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, और जहाँ टाइगर्स हैं आपके रणथंभौर वगैरह आइसोलेटेड हैं, जो नेशनल पार्क्स ड्राई हैं, और उसको आप मतलब डैम बना के ख़त्म कर रहे हैं। जब एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बात आएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा? सरकार होएगी, गवर्नमेंट होएगी, आपके वर्तमान में जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और मंत्री हमारे विधायक हैं वो एक शब्द नहीं बोलना चाहते इसके अगेंस्ट, और वो क्या बोलते हैं, तो कौन बोलेगा? हम लोग के पास में समय नहीं है इतना कि हम लोग वेट करें 10 साल, और पानी की ज़रूरत अब है। इस 22 में जो हम लोग लास्ट ईयर का मानसून फेल हो गया है, आप पता कर लें कि क्या कठिनाई होगी पूरे पन्ना जिला में पानी की, और हमारे तालाब सब सूख गए हैं, और बैड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर में सब जितने नाले पानी जहाँ भी स्टोरेज है वहाँ पंप लगा के वो गेहूँ की खेती कर रहे हैं, और गेहूँ सिर्फ पानी बेचना है, पानी में टोटली डिपेंडेंट आप खेती कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो अपना मतलब गर्मी के लिए पानी रखा ही नहीं है, पानी तो पहले ही हम लोगों ने जनवरी तक में आपने भेज दिया पूरा।
तो दिक्कत तो ही, और अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो ये क्षेत्र मेरे हिसाब से तो पूरा वीरान हो जाएगा। देखिए, प्लानिंग ना होने के कारण वो सोच रहे हैं, अब वो क्या सोच रहे हैं, पर उनने 44,000 करोड़ वर्तमान की स्थिति में वो डैम बनने वाला है, 8 साल का समय दिया है, और अगर आप उस 44,000 करोड़ को बैंक में रखें तो 5% के इंटरेस्ट में भी 8 साल में वो करीब 30,000 करोड़ होता है, और अगर आप उसको बांट दें हर साल और आप अल्टरनेटिव वेज में तालाब बना दें, हर फार्मर्स का बलराम तालाब बना दें, पुरानी अच्छी योजनाएं हैं, सबको सोलर पंप दे दें, तो वो तो आपका 1 साल के अंदर पूरी पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, ये नदी जो है ये विंध्या पर्वतों से जन्मी हुई नदी है, और कठनी जबलपुर से शुरू होकर ये पन्ना की ओर चलती है, उसके आगे ही ये बुंदेलखंड को सींचती है अपने पानी से, जीव जंतुओं को पानी देती है, कई वादियों को हरा भरा करती है, और अंत में हमीरपुर के पास जाके यमुना नदी से मिल जाती है। लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये नदी यमुना जितनी विशाल तो नहीं, और ना ही है इसमें यमुना जितना पानी, पर इसमें कुछ अपनी खूबियां जरूर है। केन बुंदेलखंड की गंगा भी कहलाती है, और पुराने समय में जब कोई गंगा तक नहीं पहुंच पाता था तो केन पे ही सारे क्रियाकर्म करता था। केन इस पूरे इलाके के लिए एक जीवन दान थी, और इसीलिए शायद से आज तक ये हिंदुस्तान की सबसे साफ नदियों में इसकी गिनती होती है। इसका पानी आज भी, जो पानी अगर आप ऊपर से देखें तो नीचे तक आपको दिख जाएगा कि नीचे कौन सी मछली तैर रही है, इसका पानी आज भी अविरल है। और मछलियों की बात करता हूँ तो लगभग इसमें 50 प्रकार से ज़्यादा मछलियाँ इसमें रहती हैं, जिसमें माशेर और सौर जैसी प्रसिद्ध मछलियाँ भी हैं। और मछलियाँ तो छोड़िए, केन के किनारे घड़ियाल से लेकर शेर तक रहते हैं। केन नदी पन्ना रिजर्व, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से बहती है और इस पूरे फॉरेस्ट को जान देती है, क्योंकि अगर इस जंगल में पानी ना हो तो ये भी किसी रेगिस्तान से कम नहीं होगा। और एक और बात जरूरी है कि अपने यमुना मिलन से पहले ये अनेक वादियों से गुजरती है, और कई जगह केन पत्थरों को काटती है, पहाड़ों को तोड़ती है, और खुद झरना बन जाती है। और इंस्टाग्राम वाले मेरे दोस्तों, आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि केन ने भारत को दिया है अपना खुद का एक ग्रैंड कैनियन। अच्छा दोस्तों, बहुत हुई बातें केन नदी पे, अब आप खुद आके हमारे साथ कुछ लोगों से मिलिए और समझिए कि क्या केन को जोड़ना ठीक है। अभी हाल के दिनों में लोगों को आकर्षित करने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इसके एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो वो बड़ा कारण है, दूसरा इसका जो अगर हम कॉस्ट एनालिसिस करें तो ये प्रोजेक्ट्स अभी जो DPR मौजूदा समय में बने हैं वो 40,000 करोड़ रुपए अभी हम मान रहे हैं, और सरकार ने ये कमिट किया है अपने एग्रीमेंट में कि हम 8 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। लेकिन जैसा कि सामान्यतः अब तक का ट्रेंड रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स और अपने आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो 10 साल बाद इसकी कॉस्ट लगभग 1.5 से 2 गुने तक होने की संभावना है। इसके बाद, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक जिस तरह से कैनाल सिस्टम है, बहुत बड़ा एक टर्नल निकाल रहे हैं, बहुत सारे इलाके को निकालते हुए ले जा रहे हैं, निश्चित तौर से हम ये मानते हैं कि केन एक बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। केन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी इसका पूरी एक संकल्पना मन में आई होगी केन को बेतवा से जोड़ने के पीछे, बेसिकली इस पूरे से लिंक के पीछे यहाँ किसानी या मजदूर या इसका किसी का हित नहीं है, बेसिकली इस लिंक के पीछे जो है वो इंडस्ट्रियल एक पूरा एक सोच है कि कैसे हम कारखानों को, कैसे हम फैक्ट्रीज को, कैसे हम औद्योगिक घरानों को हम पानी दे पाएंगे, ये इस तरह से। और अब हम चलते हैं, हमारा सफ़र जो शुरू होता है वो होता है आलमगंज की ओर। वो सफ़र वहाँ से लेके जाता है हमें किशनगढ़, जहाँ स्थित है घुघरी गाँव। ये एक ऐसा गांव है दोस्तों जो विस्थापित होने वाला है, और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो एक मायूसी सी छाई हुई थी। बहुत कुछ कम घर थे, लोग सब काम पे थे, लेकिन फिर भी हमें जो लोग मिले, हमने उनसे पूछा कि क्या होगा इस जुड़ाव का, क्या उनको पता है
कि नदियां जुड़ने वाली हैं और उनका गांव स्थापित होने वाला है। ढूंढते ढांढते बात करते करते मुझे एक घर मिला जहां एक नोटिस लगी थी। हिंदी में लिखा था कि आर्टिकल 11 के तहत यहां पे सुनवाई होगी। तो उंगड़ी गांव में भैया जो नोटिस लगी है बब्बा, इसका क्या मतलब है? तो साहब लगा गया तो हमको पता नहीं है, न कोई जानकारी दिया। अच्छा, तो सुनने में आ रहा है कि गांव आपका जो है यहां से गांव खाली करना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही सुनाई है कि गांव खाली करना पड़ेगा। तो क्यों खाली करना पड़ेगा, कुछ पता है? ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, बताया नहीं है उन लोगों ने। तो इस नोटिस का फिर क्या, आप लोग कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से निकाल दी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब ऐसा कैसा, जब सब जनता आ जाएगी उससे पूछेंगे हम सब जनता से क्या है, क्या करना है। यहाँ से जैसी सब जनता चाहेगी वैसे कहेंगे, जैसा फिर आप लोग कहाँ शासन को कहाँ होगा। और मुआवजा वगैरह कुछ मिला है यहाँ पे? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला। तो बिना मुआवजा के कैसे भेजेंगे आपको लोग? नहीं, यहाँ से तो यहाँ से बगैर मुआवजा के थोड़ी भागेंगे, मुआवजा के थोड़ी जाएंगे, बगैर मुआवजा के नहीं भागेंगे यहाँ से कोई नहीं। कहा है अब तो कौन थे पढ़े लिखे यहाँ कोई आदमी के मजदूरी करे के कोई धंधो करे, कछु है ही नहीं है। शासन जैसे करेगा, पट्टे वाली जमीन है बोलने मुहार की छीन ली। अब ऐसे गाँव में आया, गाँव में मतलब अब ऐसा कर लेटरिंग के लिए करो पर रहो है, बगल से थोड़ी का आपके तो बिना पैसा दिए जही आप कि ना ही जाही। अरे साहब, हमको कहे जाने अपनी जमीन है, यही देख भगने ही नहीं है जमीन पे, अपनी जो जमीन है अपनी जिंदगी की जन्मभूमि है। तो वही इतने बे में जोती भी कर भी रह भी खे भी गैया छिड़िया मवेशी हर चीज की हम व्यवस्था है, नगरिया फाटा की हम नहीं भगेंगे, क्या करेंगे भग के यहाँ से। अरे तुम कितने पैसा दोगे, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, बे हमारे कोई काम के नहीं है। तो सरकार डंडा मारेगी, तब डंडा मारेगी तो साहब क्या करेंगे, भगना तो पड़ना नहीं है, लेकिन मारेगा डंडा तो हम बोलेंगे कुछ। अब दोस्तों, जब इतनी बात हो चुकी है एक तरफ की, तो दूसरी तरफ को भी है सुनना बहुत जरूरी। तो आइए अब देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं जिनको लगता है ये बहुत बढ़िया है। सर, जैसे दोनों नदी जोड़ दी जाएंगी तो फायदा ही होगा इस क्षेत्र का, ऐसा फायदा होगा कि हर गांव में नहर जाएगी और सरकार पानी देगी गांव को, और पानी एक स्टॉक होगा और विद्युत बनेगी वहाँ पर, लाइट बनेगी, और जितनी जरूरत होगी नीचे तो उतना पानी देगी नीचे। पानी यदि डैम बन रहा है तो अच्छा होगा सर। यदि सर वो स्कीम फैल होती है नदी जोड़ो अभियान वाली, तो उसमें गांव के लोगों को और यहां के उसमें दिक्कत तो आएगी सर। क्या दिक्कत आ सकती है? ये दिक्कत आएगी क्योंकि एक तो वो नदी नहीं जुड़ पाएगी, दूसरी चीज़ जो बारिश का पानी होता है पूरा पानी निकल जाता है, यहां स्टॉक नहीं हो पाता है। गांव की जो ज़मीनें हैं यहां पे बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, अशिक्षित ज़मीन है जिसमें पानी नहीं है, और वहाँ पे यदि कोई कुआं भी खोदे बोरवेल से भी कराए तो पानी नहीं निकलता है। और यदि नदी में ये डैम बन जाएगा तो बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत किसानों को फायदा होगा। उससे डैम बनेगा, उसमें कुछ है पर्यटन विभाग ऐसा करेगा जैसे राफ्टिंग चलाएगा, और तैराकी है जैसे किसी को तैराकी सीखना है तो वहाँ पे और पर्यटन का काम और बढ़ सकता है वहाँ पे। निश्चित रूप से अगर ये जिस तरीके की सोच है, अगर ये इसका जमीनी स्तर पर काम हो जाता है तो हमारे तमाम किसानों को लाभ तो होगा, पर कई इसके नकारात्मक वो भी मिलेंगे। ये महत्वाकांक्षी योजना है, यहाँ कृषि प्रधान देश है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने ज़्यादा कृषक हैं कि जो बाहर पलायन कर जाते थे, आज उनके लिए ये सौभाग्यशाली योजना मिली है। अब आपको लगता है कि अगर ये योजना सफल हुई तो खजुराहो और बाकी क्षेत्रों के किसान जो अभी जौ उगाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें उगाते हैं, वो धान और गेहूं उगाने लग जाएंगे? बिल्कुल सत्य है, अगर ये होता है तो आज चाहे वाटर लेवल की बात करें या ऊर्जा की बात करें, तो ये ऊर्जा खासतौर से इसमें जो मिल रही है वो निश्चित रूप से यहाँ कमी पूर्ति करेगा और वो किसानों के काम आएगी, लोगों को भी इससे एक जरिया मिलेगा। केन वेतवा में पर्यावरण हमारा भी प्रमुख है, अगर पर्यावरण को बिना नुकसान किए और केन नदी का जुड़ाव होता है तो निश्चित रूप से ये बुंदेलखंड के लिए और एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना होगी। आप जैसे पूछ रहे थे कि कितनी भूमि सिंचित होगी, तो 8,11,000 हेक्टेयर लगभग भूमि हमारी सिंचित होगी और 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये परियोजना बहुत आयामी योजना है, लगभग 13 जिलों से होके जाएगी, 6 जिले तो अपने
मध्य प्रदेश के रहेंगे और 7 जिले लगभग हमारे उत्तर प्रदेश के रहेंगे। आपको क्या लगता है कि मनुष्य प्रकृति के ऊपर विजय पा पाएगा, देखिए, या किसी नदी के ऊपर विजय पा पाएगा? नहीं, देखिए, नदी का अपना खुद का रास्ता होता है। अगर मनुष्य नदी का रास्ता बना पाता तो आज बहुत सारी नदियाँ जगह जगह से निकाल दी गई होती, पर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। दोस्तों, तो आपने दोनों पक्षों की बातें सुन ली ना। मैं अपने आप को एक जल विशेषज्ञ बताता हूँ और ना समझता हूँ, इसीलिए इस पे आखिरी इसकी जो बात समझने के लिए हम पहुँचे एक ऐसे व्यक्ति के पास जिन्हें भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जल पुरुष कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र सिंह जी की। केन बेतवा लिंक बहुत ही खतरनाक है। केन नदी भी और बेतवा नदी भी दोनों एक एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन में है। दोनों में एक जैसी बारिश होती है। ये कहना कि एक नदी में पानी ज़्यादा है एक नदी में कम है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि एक नदी में जंगल ज़्यादा है इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा दिखता है, लेकिन दोनों क्षेत्रों में जब समान वर्षा है तो समान तरह की परिस्थिति है। इस परिस्थिति में एक नदी का दूसरी नदी में पानी लाने के लिए कितना बड़ा खर्च करना और धसान जैसी नदी के ऊपर से इस लिंक को क्रॉस करना, ये बहुत ही भयानक है। धसान नदी की जो परिस्थिति है, जो वहाँ की बनावट है, उसमें उसके ऊपर से नदी का क्रॉस करना, एक नदी के ऊपर से नदी का दूसरी नदी का क्रॉस करना, ये संकट है बड़ा। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी सरकारें आखिर ऐसे लिंक के लिए क्यों अड़ामंट है। हम लोगों ने जब 2004 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, प्रत्योष त्यागी, प्रोफेसर राज सिद्धायत सिद्दीकी, रवि चोपड़ा और देश के बड़े वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस पर पूरा एक अध्ययन किया था, 2 साल अध्ययन करके ये कहा कि ये लिंक करना बहुत ही बेवकूफ़ी है, इसलिए केन बेतवा का लिंक की बात करना छोड़ देना चाहिए। इतने पैसे खर्च करके तो उस पूरे बुंदेलखंड को पानीदार बनाया जा सकता है। कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट पूरे केन बेतवा लिंक का सॉल्यूशन है। केन बेतवा लिंक नहीं चाहिए, केन बेतवा नदी के साथ लोगों को जोड़ना चाहिए और वो है सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन। उसी से ये पूरा क्षेत्र पानीदार बन सकता है। तो दोस्तों, आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपको केन की सवारी में मज़ा आया और आप जुड़े रहेंगे द वायर के और कार्यक्रमों से। नमस्कार। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.